बारिश हो रही है जिसने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। सड़क और रेलवे ट्रैक पर जलमग्न हैं और नवी मुंबई के इलाकों की अगर बात करें तो लोगों के घरों में पानी भी घुस गया है। तो इस तरीके की तस्वीरें मुंबई में फिलहाल पानी पानी की नजर आ रही हैं, जिसके कारण मुंबई की मुसीबतें हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। मुंबई में भारी बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें बेशक कल की हो, लेकिन हर साल बारिश में मुंबईकरों को ऐसी मुसीबत से दो चार होना पड़ता है। कल भारी बारिश की वजह से रेलवे ट्रैक हो या फिर सड़कें, सब कुछ पानी में डूबा नजर आया। तो वहीं मुंबई से सटे नवी मुंबई में भी बुरा हाल रहा। नवी मुंबई के डुगी गांव में गलियां नदी में तब्दील हो गई और लोगों के आशियाने तालाब बन गए। लोगों का कहना है कि हर साल बारिश में पानी यहां भर जाता है, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। बताया जा रहा है कि नवी मुंबई में अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माण की वजह से पिछले चार साल से ये इलाके पानी में डूब रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। तो अब आपको मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर दिखाते हैं, जहां आज तेज बारिश हो रही है और इस बारिश से आम लोगों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ तस्वीरें हैं, क्या कुछ सूरत हाल है, इसका जायजा लिया हमारी संवाददाता लता शर्मा ने। देखी उनकी रिपोर्ट। मुंबईकरों को आज भी भारी बारिश से राहत नहीं। मैं फिलहाल मुंबई के दादर इलाके में हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि बारिश जो है तेज गति से हो रही है, भारी बारिश हो रही है। बीती रात से हल्की हो गई थी, लेकिन सुबह से फिर से तेज बारिश हो चुकी है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि तेज बारिश के कारण जो बस स्टॉप है वहाँ पे कई सारे जो लोग हैं बस के लिए रुके हैं, और हर बार जब भी मुंबई में बारिश होती है तो जो ट्रैफिक है और जो लोग लोकल ट्रेन या फिर लोकल ट्रांसपोर्ट से प्रवास करते हैं उन्हें बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि जो ट्रैफिक है काफी धीमी गति से चलती है, कहीं ना कहीं जाम लग जाता है, जिसके चलते आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि यहाँ पर भी जो लोग हैं बस का वेट कर रहे हैं। सुबह का समय है, ऑफिस जाने का समय है, जिसके चलते जो ये दृश्य है आप देख सकते हैं। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ वो जो इमारत है जो कि भारी बारिश में ढक चुकी है। मुंबई में जो कि दादर इलाका है, वर्ली, परेल, प्रभा देवी, ये पूरा साउथ बॉम्बे का इलाका आता है। यहाँ पर भारी बारिश की वजह से जो लंबी बिल्डिंग्स हैं, इमारतें हैं, वो पूरी ढक चुकी हैं धुंध में, बारिश में। और ये जो दृश्य है मैं आपको बताना चाहती हूँ, ये दृश्य सिर्फ आज का ही नहीं है, लेकिन पिछले तीन दिन से लगातार मुंबई में बारिश हो रही है। 100 मिलीमीटर से ज्यादा कई इलाकों में मुंबई में बारिश दर्ज हुई है, और आज भी मुंबईकरों को बारिश से राहत नहीं दी गई है। 8 जुलाई तक लगातार ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया गया है मौसम विभाग के द्वारा, और ये जो अनुमान लगाया गया है कि मुंबई में भारी बारिश लगातार 3 से 4 दिनों तक और होती रहेगी। कैमरा पर्सन मोहित किसली के साथ मैं लता शर्मा, एबीपी न्यूज मुंबई। तो आपने मुंबई के दादर इलाके की तस्वीर देखी। मॉनसून का मौसम है, ऐसे में जाहिर तौर पर आसमान से पानी बरस रहा है, लेकिन ये पानी कई इलाकों के लिए आफत का रेड अलर्ट भी लेकर आया है। उत्तर से लेकर दक्षिण तक और भारत में पूर्व से लेकर पश्चिम तक मौसम का अलर्ट है। इस हफ्ते भर भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है, और खासतौर पर अगर महाराष्ट्र और गुजरात यानी देश के पश्चिमी हिस्सों की बात करें तो बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। मुंबई समेत महाराष्ट्र के कई जिलों में भारी बारिश से बुरा हाल है। जगह जगह जलभराव देखने को मिल रहा है। इस बीच महाराष्ट्र के कई जिलों में मौसम का रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। महाराष्ट्र के 4 जिलों रायगढ़, सतारा, रत्नागिरी, कोल्हापुर में रेड अलर्ट किया गया है, जबकि 5 जिलों में मौसम का ऑरेंज अलर्ट है। जिन जिलों में ऑरेंज अलर्ट है उनमें पालघर, ठाणे, नासिक, पुणे, सिंधुदुर्ग शामिल है। इसके अलावा गुजरात में भी भारी बारिश लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। गुजरात के नवसारी, सूरत, वलसाड में बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, जबकि पोरबंदर, जूनागढ़, गिर सोमनाथ, भरूच और सूरत में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दिल्ली, कर्नाटक के 3 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। देश भर में मॉनसून सक्रिय हो चुका है, ऐसे में आने वाले दिनों में भारी बारिश से लोगों को अलर्ट रहने की जरूरत है। तो महाराष्ट्र के कई इलाकों के अंदर फिलहाल अलर्ट जारी किया गया है, कई सूबों में, कई इलाकों के अंदर। महाराष्ट्र की अगर बात करें तो 4 जिलों में रेड अलर्ट भी जारी किया गया है, और ये रेड अलर्ट
आने वाले दिनों में होने वाली बारिश के लिए जारी किया गया है। और अगर आपको तस्वीर और मैप के जरिए समझाएं कि किस तरीके की तस्वीर देश की आर्थिक राजधानी मुंबई की है, तो मुंबई के कई इलाकों के अंदर, चाहे दादर की बात की जाए तो दादर के अंदर भी सड़कों पर पानी बरसता हुआ देखा जा रहा है, भरा हुआ देखा जा रहा है। इसके अलावा जो वर्ली का इलाका है, वर्ली के इलाके के अंदर भी ट्रैफिक की रफ्तार थमी हुई है क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है, कई सबवेज जो हैं वो बंद हैं। इसके अलावा परेल में, लोअर परेल का इलाका हो या इस पूरे इलाके के अंदर, जो लोकल ट्रेन हैं वो प्रभावित हैं बाढ़ के कारण, क्योंकि सड़कों के ऊपर बाढ़ की तस्वीर नजर आ रही है क्योंकि सड़कें जो हैं वो पानी से लबालब भर गई हैं। और इसके साथ साथ महाराष्ट्र के कई इलाकों के अंदर, केवल मुंबई ही नहीं, उसके अलावा रत्नागिरी और अन्य जिले जो हैं महाराष्ट्र के, उन तमाम जिलों के अंदर भी इसी तरीके की तस्वीर सामने आ रही है। और इसके मद्देनजर जो मौसम विभाग है उसने अलर्ट जारी किया है कि फिलहाल सावधान रहने की बहुत जरूरत है क्योंकि अगले चार दिनों तक बारिश का सिलसिला यूं ही जारी रह सकता है। और अगर मुंबई की बात करें तो बारिश की वजह से दहिसर और पवई लेक लबालब हो गए। ऐसे में दहिसर झील में दो लोगों की डूबने से मौत भी हो गई, जिसमें से एक का शव बरामद कर लिया गया है और दूसरे शव की फिलहाल तलाश की जा रही है। मुंबई में बारिश से बुरा हाल है। बारिश की वजह से मुंबई के लेक लबालब भर चुके हैं। इस बीच दहिसर झील में कल एक बड़ा हादसा हो गया। बारिश के बीच कुछ लोग दहिसर झील में तैरने चले गए और ये गलती उनके लिए भारी पड़ गई। बताया जा रहा है कि 7 लोग झील में तैरने के लिए कूदे लेकिन 2 लोग झील में डूब गए। काफी देर तक तलाश करने के बाद रेस्क्यू टीम ने देर रात तक एक शव बरामद कर लिया। उधर पवई लेक भी पूरी तरह भर चुकी है। लेक से पानी ओवरफ्लो करने लगा है। पानी ओवरफ्लो होने पर कुछ लोग पवई लेक के नीचे की तरफ झरने के पानी का लुत्फ उठाने पहुंच गए, लेकिन ऐसे वक्त में लोगों को लेक से दूर रहने की जरूरत है क्योंकि मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। ऐसे में अचानक झील से पानी नीचे की तरफ आया तो लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती है। और बारिश के कारण महाराष्ट्र में जहां कई जगहों पर आफत की तस्वीरें सामने आ रही हैं, तो वहीं कर्नाटक के मैंगलोर में भी भारी बारिश से बाढ़ के हालात बन गए हैं। लोगों के घरों में पानी घुस गया है तो वहीं कई लोगों को गाड़ियों के बीच रास्ते में ही अपनी गाड़ियां छोड़कर जाना पड़ गया है क्योंकि ये गाड़ियां सड़कों पर आगे नहीं बढ़ पा रही हैं क्योंकि सड़कों पर पानी ही पानी नजर आ रहा है। सड़कों पर जलभराव है, घर डूब गए हैं, गाड़ियां डूब गई हैं। बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें कर्नाटक के मैंगलुरु की है जहां कल तेज बारिश की वजह से भारी बर्बादी हुई है। बारिश की वजह से सड़कों पर 4 फीट तक पानी भर गया। पानी का बहाव काफी तेज था, न सड़क का पता चल रहा था और न गलियों का। अगर कुछ नजर आ रहा था तो बस पानी ही पानी। मैंगलुरु की सड़कें सैलाब के आगोश में समा गई। आसपास बने मकान पानी में डूब गए। इस बिल्डिंग को देखिए, बिल्डिंग का निचला हिस्सा पानी में डूबा हुआ है। अंदर जाना तो दूर, लोग गेट खोलने की हिम्मत तक नहीं जुटा सके। एक और तस्वीर देखिए, सैलाब के बीच एक कार पानी में फंस गई। कार आधी पानी में डूबी हुई है। कार ड्राइवर को मुश्किल में देख स्थानीय लोगों ने हिम्मत जुटाई और कार को रेस्क्यू कर बाहर निकाला। कर्नाटक में भारी बारिश का अलर्ट है। उत्तर कर्नाटक और दक्षिण कर्नाटक में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है जबकि बेलगाम समेत कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। आपने कर्नाटक के मैंगलोर में सड़कों पर सैलाब की तस्वीरें देखी। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश के सबसे स्वच्छ, इनफैक्ट देश के सबसे स्वच्छ शहर इंदौर की, जहां तेज बारिश की वजह से नदी नाले तो उफान पर आ गए लेकिन राऊ के थाने के इलाके में नाला खुला होने की वजह से एक शख्स इसमें समा गया और उसकी जान चली गई। करीब 3 किलोमीटर बाद जाकर उसका शव बरामद किया जा सका। भारी बारिश से बदहाली की ये तस्वीरें वाटर प्लस का तमगा हासिल करने वाले शहर इंदौर की हैं। कल 2 घंटे की बारिश में इंदौर का क्या हाल हुआ आप इन तस्वीरों में देखिए। सड़क पर 2 फीट से ज्यादा पानी भरा है। लोग किसी तरह पानी के बीच से सुरक्षित ठिकाने पर जाने की कोशिश कर रहे हैं तो वहीं पानी के बीच ऑटो बंद हो गया और उसे धक्का देकर निकालना पड़ा। लोगों के घरों में पानी भरने की वजह से लोग अपना सारा सामान निकालकर सुरक्षित ठिकाने तक पहुंचाते दिखे। सड़क पर पानी काफी ज्यादा जमा हो गया था इसलिए बच्चों को गोद लेकर उठाकर ले जाते दिखे। ऐसे में मैनहोल खुला होने से हादसा भी हो गया। इंदौर के राव थाने इलाके में एक युवक मैनहोल में गिर गया। युवक की तलाश में प्रशासन की टीम करीब 8 घंटे मशक्कत करती रही लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। मैनहोल वाली जगह से करीब 3 किलोमीटर दूर 18 साल के अयान का शव बरामद हुआ। इंदौर नगर निगम स्वच्छता और वाटर प्लस का दावा करता है लेकिन थोड़ी सी बारिश में बदहाली सामने आ गई।
बाबा बाबा पूर्णिया सिटी जानिए पूर्णिया सिटी। हाँ कोडिया सिटी कहाँ पे? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोडिया सिटी। वो बहुत दूर है। प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर। जो तुम्हें यहां तक ले आया। क्यूरियोसिटी। ABP News, आपको रखे आगे।